महज 14 साल के बच्चे की रेबीज से तड़प तड़प कर मौत हो गई। उस बच्चे ने अपने पिता की गोद में दम तोड़ दिया। कैसा महसूस होता है जब बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ दे? ये दर्द सिर्फ वो पिता ही समझ सकता है, हम उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकते। ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के गाजियाबाद से। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी का है। यहाँ करीब 6 दिन पहले साबिज नाम के बच्चे में रेबीज के लक्षण आए थे। उसके शरीर में अजीब से बदलाव नजर आने लगे, उसके मुंह से लार टपकने लगी, वो अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, उसे हवा पानी से डर लगने लगा, वो अंधेरे में रहने लगा, उसने खाना पीना बंद कर दिया और कभी कभी वो कुत्तों के भौंकने जैसी आवाज भी निकालने लगा। बच्चे का चेहरा भी अजीब सा हो गया था। बच्चे की ऐसी हालत देख कर घर वालों को चिंता होने लगी। बच्चे की खराब हालत देखकर परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे कुछ समय पहले किसी कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन बच्चे के पूरे शरीर में फैल गया, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। बच्चे को 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। बच्चे ने डर की वजह से अपने परिजनों को इस बारे में नहीं बताया, जिसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके शरीर में फैलता गया। साबेज के परिजनों के मुताबिक किसी भी डॉक्टर ने बच्चे का उचित इलाज नहीं किया, यहाँ तक कि किसी ने भी अस्पताल में बच्चे को भर्ती तक नहीं किया। परिजन इलाज के लिए साबेज को कई अस्पताल लेकर गए, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं हुआ। परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे जगह जगह बच्चे को लेकर इलाज के लिए दौड़ते रहे। साबेज का परिवार इलाज के लिए 3 दिन तक एम्बुलेंस में भटकता रहा, लेकिन उचित इलाज न मिलने के कारण साबेज ने एम्बुलेंस के अंदर ही पिता की गोद में दम तोड़ दिया। साबेज के परिजनों का कहना है कि जैसा उनके बच्चे के साथ हुआ, ऐसा किसी भी बच्चे के साथ न हो, इसके लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई करे। वहीं नगर निगम ग्रेटर ने स्ट्रीट डॉग को फीड कराने वाली महिला को नोटिस भी भेजा है। अब जान लेते हैं क्या है रेबीज और क्या होता है संक्रमण के दौरान। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। एक बार जब किसी व्यक्ति में रेबीज के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं तो यह रोग लगभग मौत का कारण बन जाता है। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो इंसान या तो कोमा में चला जाता है या फिर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये मौत बेहद ही दर्दनाक होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोगों को लगता है कि रेबीज केवल कुत्तों के काटने से होता है, लेकिन ये बीमारी बिल्ली, घोड़ों और चमगाड़ के काटने से भी फैलती है। जानवरों के काटने पर कई मामलों में लोग घरेलू नुस्खों में भी लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवर के काटने पर तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।